हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं जिनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ है केंद्रीय विद्यालय की टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। नॉर्थ ईस्ट की खास तौर से मैं बात कर रहा हूं जो अभी हुआ है, लेकिन ये इंटरव्यू की जो टिप्स हैं जो मैं आपको आज देने जा रहा हूं, ये आपको हर इंटरव्यू में जो कि टीचर्स के केंद्रीय विद्यालय में होंगे उसके लिए काम आएंगे। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं आप। एक बार पुनः मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं जो जो लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं। दोस्तों, अपना सेंटर ढंग से देख लीजिएगा। आप जानते हैं आपका जो सेंटर है आप कहाँ से देख सकते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय की साइट पर जाकर एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जाकर उसमें क्लिक करेंगे। जब आप एम्प्लॉयमेंट नोटिस में, तो आप इंटरव्यू नोटिस में जाएंगे। वहाँ पर आपके PRT, TGT और PGT के लिए जो इंटरव्यू हैं, जो कॉल लेटर हैं, वो पड़ा हुआ है। आप वहाँ से निकाल सकते हैं उनका प्रिंट और लेके भी जाइएगा। आप उसका प्रिंट निकाल कर जरूर लेके जाइएगा ताकि वहाँ जाकर आप कंफर्म करा सकें कि आपका ये नाम यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है। दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स जो आपने रिटर्न में एग्ज़ाम में नंबर लिए हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आपने जैसे PRT की बात करें, जैसे PRT की हम बात करते हैं, तो PRT में जो जनरल की लिस्ट गई है वो 100 नंबर पे गई है, 100 नंबर पे जो लिस्ट गई है। अब इससे ऊपर जिन जिन लोगों के बच्चों के नंबर हैं, यानी 102, 104, वो जो नंबर हैं वो जाहिर सी बात है वो औरों से दौड़ में आगे हैं। और जो जो लोग इंटरव्यू में जाएंगे, तो एक मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू का कि जो लोग प्रेजेंट हैं उनको मिनिमम प्रेजेंट होने के नंबर वहाँ पर 40% के आसपास तो मिलता ही है। यानी बचा जो 60% है उसमें वो लोग कितना अचीव कर पाते हैं, कितने नंबर ले पाते हैं और वो नंबर कैसे आएंगे, वो आपके कॉन्फिडेंट और आपकी नॉलेज, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, उसके अनुसार वो लोग देखेंगे। तो कट ऑफ में जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो पहले ही दौड़ में थोड़ा सा आगे है। दूसरी बात, ड्रेस कोड। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं एक ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड आपका ऐसा होना चाहिए सिंपल सोवर जो कि अच्छा लगे सामने वाले को, ताकि वो आपके अंदर एक टीचर को देख सके। बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइक मैं अगर जेंट्स की बात करूं, लड़कों की, तो वो जीन्स और उसके ऊपर टी शर्ट पहनकर चले जाते हैं, जो कि गलत है थोड़ा सा मेरा मानना है। बाकी तो आप लोग खुद रेस्पॉन्सिबल हैं अपने आप में कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आपका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि भाई जींस अगर पहन रहे हैं बॉयज, तो शायद मेरा मानना है कि ऊपर शर्ट जरूर पहने। और लड़कियों से भी मेरा निवेदन है कि वो ऐसा ड्रेस कोड पहने जो कि एक टीचर की शोभा को गुणान्वित करे। तो ड्रेस कोड सिंपल और सोवर होना चाहिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सीरियल वाइज सिस्टमेटिकली एक फाइल में लगा लीजिए। 10th, 12th, आपकी अगर BA, BSc या BCom है उसको फिर लगाइए। फिर आपका BEd है तो उसको लगा लीजिए। उसके बाद आपने MA किया है तो उसको लगा लीजिए। अगर इसी बीच में आपने डाइट किया है तो उसको लगा लीजिए। वो सीरियल वाइज आप लगा लीजिए। और लगाने के बाद दोस्तों, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स पर आप एक बार नज़र मारिए। जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स पर नज़र मारेंगे तो उसमें से भी क्वेश्चन पुटअप होंगे। हो सकता है कुछ एब्रिविएशन आपसे पूछ ली जाएं। अगर किसी ने डाइट किया है तो हो सकता है डाइट की फुल फॉर्म पूछ लें कि डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। हो सकता है वो आपसे BEd पूछ ले, आपने BEd कहाँ से की है। आपके डॉक्यूमेंट में देखा कि आपने BEd लगाई हुई है, हो सकता है आपने इग्नो से की हो, तो आपसे पूछ सकता है इग्नो से करिए तो इग्नो की फुल फॉर्म बताइए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आपके डॉक्यूमेंट्स में ही पुट होंगे, क्योंकि उनके पास भी कोई सोर्स नहीं है। जो आप दिखाएंगे या आपके सामने वो एक यकायक पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चंस बना के रखे होंगे। वो हाथ के हाथ तभी क्वेश्चंस आपसे पुटअप करेंगे, और क्वेश्चन हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स में से निकल कर आ जाए। उसके साथ साथ दोस्तों, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस जहाँ से आपने कोई भी प्रोफेशनल या आपने BA, BCom किया है, जिस कॉलेज से किया है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा।
या डाइट आपने की है तो बताइएगा कि डाइट आपका कितने साल का कोर्स होता है, कहाँ से आपने करी, कहाँ से इसको मान्यता प्राप्त है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कितने साल का कोर्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है या जिस सब्जेक्ट से आपने एजुकेशन की है उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट से तो आपकी जाहिर सी बात है उस सब्जेक्ट में तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किए ही जाएंगे। तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाइएगा, उसकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं एटलीस्ट वो तो ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं अगर पीआरटी की, तो पीआरटी में सभी विषय पढ़ाने पड़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, ईवीएस जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ या मैथ्स हो, इन सभी को पढ़ाना पड़ता है। तो पीआरटी के लिए, और मैं यही कहूँगा कि कम से कम हर सब्जेक्ट का एक एक लेसन प्लान ज़रूर बना लें। बनाने से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लिख लें, लिखना नहीं है, अपने माइंड में प्रिपरेशन कर लें कि अगर आपसे कहा जाएगा कोई विषय पढ़ाने के लिए तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे, क्या तरीका उसमें उपयोग में लाओगे, किस तरह से उसको प्रेजेंट करोगे क्लास में, और हर विषय का आप बना लीजिए। वो आपसे पढ़वा सकते हैं, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर पढ़वा सकते हैं। तो आपको एक एक लेसन प्लान तो एटलीस्ट बनाना चाहिए, और जो टीजीटी पीजीटी हैं वो भी एक एक सब्जेक्ट का अपना किसी भी टॉपिक पर वो अपने एक एक लेसन प्लान बना सकते हैं। मैंने पहले ही कहा लिखना नहीं है, सिर्फ बना लीजिए, और उसके अंदर क्या क्या टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या यूज़ हो सकता है उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग कि किस तरह से आप उसको बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आजकल आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इन एजुकेशन, आजकल शिक्षा में बहुत यूज़ हो रहा है आईसीटी। केंद्रीय विद्यालय में भी अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासेस स्टार्टेड हो चुकी हैं कई साल पहले, हर स्कूल में जाए तो स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स ये सब यूज़ हो रहे हैं। तो आईसीटी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्यों आईसीटी यूज़ होता है क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो आप टॉपिक, मैंने पहले कहा कि जो टॉपिक आप पढ़ाने के लिए तैयार करेंगे अपने लिए, उसमें भी आईसीटी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी आप बताइएगा तो एक अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पर जाएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय सारे आजकल आईसीटी पर बड़ा जोर दे रहे हैं। तो जिस चीज़ पर ज़्यादा चल रहा है वो ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। अगर आईसीटी की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में फीस ऑनलाइन हो गई है, एडमिशन ऑनलाइन हो गए हैं, यहाँ तक कि जो रिजल्ट बनता है उसको भी ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें, और कंप्यूटर का ज़रूर आप थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको है तो अच्छी बात है, वैसे आज के युग में सबको कंप्यूटर की नॉलेज है, लेकिन अगर जिन्हें नहीं है वो भी थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज रख लीजिए ताकि बताने में आसानी हो, क्योंकि सब कुछ आजकल कंप्यूटराइज ही केंद्रीय विद्यालय में काम चल रहे हैं। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछा जाता है बच्चे और टीचर के मध्य, कि बच्चा अगर ये कर रहा है तो आप क्या करोगे, बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो बच्चा है उसको सेंटर में रखना है। कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना जो कि बच्चे के बेनिफिट में ना हो। हमें हर जवाब का एक ही जवाब, हर क्वेश्चन का एक ही जवाब होना है, वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का वेलफेयर ही सोचना है, दूसरी कोई चीज़ नहीं। और जहाँ तक पनिशमेंट की बात है तो ये शब्द तो मुंह पर भी मत लाइएगा, पनिशमेंट शब्द मुंह पर बिल्कुल नहीं लाना है। बच्चे को हमेशा प्यार से या प्ले वे मेथड के थ्रू आप बच्चे को समझाने का, किसी भी विषय में पढ़ाने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें, वहाँ बताएं कि हम किसी भी तरीके से प्ले वे मेथड से या कोई और भी मेथड है हम उसको यूज़ करके बच्चे को समझा सकते हैं, पनिशमेंट शब्द बिल्कुल नहीं। और बच्चे को सेंटर में रख के सब चीज़ों का आंसर आपने देना है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको केवीएस का भी नॉलेज होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की कब स्थापना हुई, केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्यों स्थापना हुई, कितने केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो रीजन हैं वो कितने हैं,
जैसे अभी एट लीस्ट प्रेजेंट की बात करूं तो 25 रीजन इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालय संगठन के हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अलग रुतबा प्राप्त करता है तो वो क्या कारण है, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उससे अलग आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। बहुत लोगों का आंसर, ज़्यादातर लोगों का आंसर यही रहता है कि मुझे पढ़ाना पसंद है, लेकिन दोस्तों ये कोई प्रैक्टिकली आंसर नहीं है। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आप लोग क्यों आना चाहते हैं, तो वो जवाब वहाँ पर दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि आज के समय में टीचर की सैलरी बहुत अच्छी है औरों के मुकाबले। तो एक तो कारण ये भी है कि अच्छी सैलरी है इसलिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं, दूसरा सैलरी के साथ साथ एक समाज में जो स्टेटस है बच्चे का, सॉरी टीचर का, वो एक अलग है। सब लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और भविष्य के लिए निर्माता, भविष्य का निर्माता है वो, यानी बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है। तो देश की प्रगति में भी उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी आप समझते हो बहुत बड़ा योगदान है। ये मेरा मानना है, आप लोग क्या सोचते हैं आप उस हिसाब से प्रैक्टिकली आंसर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पर कोई वैसा आंसर मत दीजिएगा फिलोसफर टाइप का कि भाई हमें पढ़ाना पसंद है, उससे अलग कुछ आंसर वहाँ पर दीजिएगा दोस्तों। केवीएस जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट किए वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपका। इससे अलग दोस्तों एजुकेशन जो पॉलिसीज़ हैं जैसे RTE राइट टू एजुकेशन या NCF 2005, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ इससे रिलेटेड। RTE जैसे राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं इसके अंतर्गत फ्री एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। PRTs को खासतौर से मैं कहना चाहूँगा कि वो NCERT की जो बुक्स होती हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें और कम से कम एक एक पोएम हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर तैयार कर लें। हो सकता है वो आपसे वहाँ पोएम सुन लें और पोएम जब आप बताएं कोई भी या सुनाएं तो उसको रिदम आपका उसमें होना चाहिए। और ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कोई भी पोएम है या कुछ भी आप लेसन प्लान तक भी अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा उसमें जो TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसका ध्यान रखिएगा कि एक ICT का जरूर एग्जांपल दे कि हम इसमें ये ICT यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उससे अलग आपको करंट का भी नॉलेज होना चाहिए कि आजकल देश में चल क्या रहा है। हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। और कहाँ कहाँ अभी इलेक्शन हुए हैं, कहाँ कहाँ होने की प्रस्तावना हो रही है अभी लेटेस्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए और कौन कौन सी योजनाएं इस समय चल रही हैं खास उससे एजुकेशन में, उसको ज़रा आपको ध्यान से देखना है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन किसके अंडर में आता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन HRD मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, जैसे इसके चेयरमैन आपको मैं बता दूं कि इसके चेयरमैन जो HRD मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं और HRD मिनिस्टर इस समय है प्रकाश जावड़ेकर जी। और दोस्तों इस तरीके से आप देख लीजिएगा और अपने सब्जेक्ट पर जरूर कमांड रखिएगा। अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, कोई अवार्ड्स आपने जीता है तो उसके सर्टिफिकेट्स भी साथ में लेकर जाइएगा और कोशिश करिएगा कि वहाँ पर इन चीज़ों को किसी भी तरह बता सकें, क्योंकि कई बार वो सर्टिफिकेट दिख नहीं पाते हैं लेकिन उनकी नॉलेज में आ जाएं तो बहुत अच्छा है। वो आप किस तरीके से ला सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों कॉन्फिडेंट जरूर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा क्योंकि कॉन्फिडेंस ही कई बार हमारा जो होता है वो कॉन्फिडेंस बड़ा उसके अंदर काम आता है। कई बार नॉलेज नहीं होती है इतनी लेकिन कॉन्फिडेंस होता है और वो कॉन्फिडेंस आपको पार लगा देता है। तो इस तरह दोस्तों ये थोड़ी सी टिप्स थी मेरी आपके लिए और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ। और मेरा जो है आप लोगों को बस इस टिप्स को देने का एक ही मकसद है कि आप अपने इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर सकें और मुझे आशा है कि आप लोग के लिए टिप्स लाभदायक रहेंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।